नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 5001 के अंदर ए प्लस ग्रेड लेके आनी है। सब्जेक्ट है डिजाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर्स, यूनिट 3A मैंने नाम दिया है सिंगली रिंफोर्स बीम के लिए। ये जो वीडियो है वीडियो नंबर 17 पेज नंबर चलाएंगे इसमें 73-80 और 8 पेज का है। ये बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। मैं स्पेशली इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि कई बच्चों के दिमाग में होते हैं कंफ्यूजन्स, अलग अलग बुक से पढ़ते हैं, बुक कोई भी गलत नहीं है, बुक सब सही है, लेकिन जो तरीका होता है बुक में समझाने का वो अलग अलग किताब में अलग अलग होता है और बच्चे हो जाते कंफ्यूज। तो ये जो वीडियो है ये केवल उस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए है। पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आज इसके अंदर मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन लूंगा जो मैं इसमें मैं ऐसे ही क्वेश्चन लूंगा जो आपको पहले करा चुका हूँ पिछले वीडियो में, लेकिन हम अलग प्रकार से सोचेंगे और फाइनली आपको ये पता पड़ जाना चाहिए हमें कैसे करना है काम। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा था इसके अंदर जो पिछले कुछ वीडियोस के अंदर जो डबली रिइंफोर्स्ड बीम के हिसाब से करना था, लेकिन वो हमने इसको सिंगल के हिसाब से कर दिया। उसको मैं समझाऊंगा ऐसा क्यों और ये सब बातें इसके अंदर हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए, ये मैं इस वीडियो में लिखा है स्पेशल नोट नंबर 1, स्पेशल नोट 1 फॉर टू फाइंड रीइंफोर्समेंट एरिया। क्या होता है कि आपको नॉर्मली तो पेपर में कह दिया जाता है कि सिंगली रीइंफोर्स बीम के लिए स्टील का एरिया निकालिए, फिर तो कोई समस्या नहीं है, नो नीड, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन कई बार पेपर में ये कहते नहीं है कि सिंगली या डबली, और आपने अगर उसको सही नहीं किया तो फिर आपके नंबर नहीं आएंगे, 0 मार्क्स आएंगे। मतलब आपको ये तय करना पड़ेगा कि इसको सिंगली रिइंफोर्स बीम के हिसाब से करना है या डबली रिइंफोर्स बीम के हिसाब से करना है। आप मेरे बात समझ रहे हैं ना? अगर सिंगली रिइंफोर्स बीम लिखा है तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन करवाए थे पिछले वीडियो के अंदर लिखवाए थे मैंने पेपर के, उसमें से ऐसे 3 क्वेश्चंस हैं, 3 या से ज्यादा भी बताऊंगा इस वीडियो में, आगे समझाऊंगा आपको मैं, मैंने लिखा हुआ इसके अंदर सारा। देखिए, कुल मिला के मैंने आपको 8 क्वेश्चंस दिए थे, कितने 8, और इनमें से 5 जो थे, 5 उसमें लिखा था कि सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम है, परंतु बाकी में लिखा नहीं था। ये 8 क्वेश्चन मैंने कौन से दिए मैं आपको समझाएगा। जो मैंने आपको 8 क्वेश्चन दिए थे वो ये हैं। आप मेरे पिछले वीडियो देखेंगे ना तो उसमें आपको हर चीज पता पड़ेगी मैंने आपको कौन से 8 क्वेश्चन दिए थे, समझा रहा हूं मैं आपको। ये देखिए, ये मेरा था वीडियो नंबर 15, उसमें पेज नंबर 58 पर आप देख रहे हैं टाइप 1, ये टाइप 1 है ना, इसमें 8 क्वेश्चन, आप कह रहे थे तो 6 ही क्वेश्चन है, लेकिन 6 नहीं 8 है, क्योंकि ये दोनों जो क्वेश्चन हैं ये दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2015 के पेपर में इस क्वेश्चन में ऐसा कहा ही नहीं गया है कि ये सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम है, और 2006 के क्वेश्चन में लिख दिया गया कि ये सिंगली बीम है। तो आपको ये तय करना होगा 2015 के पेपर में कि सिंगली करना होगा, आप मेरे पास समझ रहे हैं ना। इसी तरह से ये जो 2018 स्पेशल का पेपर है, 2018 स्पेशल का, इसमें कहीं नहीं कहा गया है कि सिंगली है कि डबली है, कुछ नहीं कहा गया है। तो
आपको तय करना पड़ेगा कि ये सिंगली रिइंफोर्स का है या डबली का है, और अनफॉर्चुनेटली ये क्वेश्चन डबली में जाएगा। अभी मैं इसी बात को समझाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, यानी ये जो क्वेश्चन दिया था मैंने आपको करने के लिए 2018 स्पेशल में आया था, 2018 स्पेशल क्वेश्चन नंबर 30 का पहला पेज नंबर 32, ये डबली रिइंफोर्स बीम में जाएगा, नॉट इन सिंगली। मैंने इसको सिंगली में ले लिया था, मैंने इसको सिंगली में ले लिया लेकिन डबली में जाएगा। क्यों जाएगा अभी आपको मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। उसके अलावा ये जो पेपर देख रहा आपको 2007 स्पेशल क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पेज नंबर 109, जिसमें डायरेक्टली आपको डी पता था इफेक्टिव डेप्थ, इसमें भी ये नहीं कहा गया है कि बीम सिंगली है डबली है, आपको तय करना पड़ा। अगर ये सिंगली होती है तो हमने जो किया वेल एंड गुड, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डबली होती तो हम नहीं कर पाते। तो ये क्वेश्चन दोनों में सेम है, 2013 2007 में सेम क्वेश्चन है। 2013 में आपको टोटल डेप्थ और इफेक्टिव कॉर्ड दे दिया था, इसमें दी थी डायरेक्टली इफेक्टिव डेप्थ। डीटो सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है, पर 2013 के पेपर में ये क्लियर लिखा गया कि सिंगली रिइंफोर्स बीम है, पर इसमें नहीं कहा गया है। तो जब ये कहा नहीं जाता है ना कि बीम सिंगली रिइंफोर्स्ड है या डबली रिइंफोर्स, अगर डबली कहते भी कोई दिक्कत नहीं, हम डबली में करेंगे, सिंगली कहते तो अच्छी बात है सिंगली में करेंगे, लेकिन जब कुछ भी नहीं कहते हैं और कहते हैं स्टील का एरिया निकालो, तो आपको ये तय करना पड़ेगा पहले कि सिंगली करना है या डबली करना है। मेरा पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट पे अगले कुछ में बात आऊंगा। वापस से मैं अपने इस पेज पे आता हूँ। तो ये मेरा पहला नोट है, स्पेशल नोट नंबर 1। इसके लिए टू फाइंड रीइंफोर्समेंट एरिया आपको क्या क्या दे रखा है, विड्थ दे रखी, ये टाइप 1 प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम टाइप 1 थी ना, जिसमें मैंने आपको कुल मिला के 8 क्वेश्चन दिए थे, 2 में कॉमन थे और कुल मिला के 8 थे। इसमें आपको विड्थ दे दी थी, इफेक्टिव डेप्थ दे दी थी, अल्टीमेट मोमेंट दे दिया था, ये सब गिवन था। और ये नहीं गिवन था कि वो सिंगली या डबली क्या है, सिंगली रिइंफोर्स्ड है या डबली है, ये हमको नॉट गिवन, ये गिवन नहीं था। अब ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। MU एंड अदर डाटास बी डी ग्रेड्स वगैरह सब आपको क्वेश्चन में दिए होते हैं ये, ठीक है ना, बस केवल ये सिंगली डबली है इसके बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं दी होती है। तो उसके लिए पहला स्टेप ये होगा, हम क्या करेंगे, आपको जो अल्टीमेट मोमेंट दे रखा है, ठीक है, ओके, हम क्या करेंगे, हमको जो बीओडी दे रखे है ना, उसके आधार पर तय करेंगे कि ये बीम अगर बैलेंस सेक्शन लेके चले सिंगली रिइंफोर्स बीम तो कितना मोमेंट वहन कर सकती है, कितना आघूर्ण ले सकती है। स्टेप 1 मैंने किया एमयू लिमिट, बैलेंस सेक्शन मानते हुए मैंने निकाला। ये फॉर्मूला आपका जो पेज नंबर 96 पर है कोड के अंदर दे रखा है, वैसे आपको मैंने प्रूफ भी करके दिया हुआ है। एमयू लिमिट इज इक्वल टू 0.36 एक्सयू मैक्स अपॉन डी, जिसकी वैल्यू पे 70 से निकलेगी, 1 माइनस 0.42 एक्सयू मैक्स अपॉन डी पे 70 से बी डी स्क्वायर इंटू एफ सी के। ये पूरा फॉर्मूला पेज 96 पर दे रखा है। अच्छा, स्टेप 2 इससे एमयू लिमिट निकल जाएगा। अब स्टेप 2, अब आप चेक करो कि हमने जो एमयू, हमें जो एमयू दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, या क्वेश्चन में एमयू आपको दे रखा है ना, क्वेश्चन में आपको एमयू दे रखा है, हमको जो दे रखा है एमयू वो एमयू लिमिट से ज्यादा है क्या। अगर एमयू जो दे रखा है वो इससे जो निकाला आपने अभी स्टेप 1 के अंदर उससे अगर ज्यादा है तो बीम डब्ल्यू रिइंफोर्स सेक्शन की तरह लेनी पड़ेगी, क्योंकि ओवर रिइंफोर्स्ड है, आप सिंगली रिइंफोर्स बीम डिजाइन नहीं कर सकते। अगर एमयू और एमयू, अगर जो एमयू है आपका जो क्वेश्चन में एमयू दे रखा है अगर वो एग्जैक्टली इसके बराबर, जो कि नॉर्मली नहीं होता है, एग्जैक्ट कभी मिलता नहीं है, चाहे स्लाइटली छोटा हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन अगर एग्जैक्टली बराबर है तो सेक्शन बैलेंस्ड है। और अब आपको अगर बैलेंस सेक्शन के लिए आपको एस्ट निकालना, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कुछ करना ही नहीं है आपको, ये फॉर्मूला हमने प्रूव करके दिया था, एस्ट अपॉन बीडी इज इक्वल टू 0.414 एफ सी के अपॉन एफ वाई एक्स यू मैक्स अपॉन डी।
x1 कहां से आएगा, पेज 70 से। ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था। वैसे ही बता दूं मैं आपको, मेरा जो वीडियो नंबर 11 है, वीडियो नंबर 11 पेज नंबर 47 पर, जो थर्ड रो फ्रॉम टॉप पेपर में, टॉप से जो थर्ड रो है ना, उसमें आप, मैंने यहाँ एक्सट्यू मैक्स लिखा है, उसमें एक्सट्यू लिखा था, तो उस पे जो मेरा वीडियो नंबर 11 है पेज 47 पर, टॉप से थर्ड रो के अंदर आप एक्सयू की जगह पे एक्सयू मैक्स लिख दो बस, क्योंकि जब सेक्शन बैलेंस होता है ना तो एक्सयू की जगह एक्सयू मैक्स होता है, ये एक्सयू लिमिट होता है। जैसे ही आप उसमें एक्सयू मैक्स लिखेंगे, एक्सयू की जगह पर ये फॉर्मूला बन जाएगा। और यू, मैंने आपको ये बात बता रखी है, पेज नंबर 96 कोड का क्लॉज नंबर G1.1A फ्रॉम, देखिए हमको ये फॉर्मूला दे रखा है, फ्रॉम एक्सयू अपॉन डी, ये फॉर्मूला कोड दे रखा है, एक्सयू अपॉन डी इज इक्वल टू 0.87 FYA स्टेप 1.66 FCKBD। इससे आप अगर AST बटा BD निकालोगे, देखो AST बटा BD निकालो ना, इसके लिए निकालोगे, बाकी उधर सब पक्षांतरित हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। अगर मैं AST बटा BD निकालूं तो क्या आएगा, एक्सयू अपॉन डी, ये देखो एक्सयू अपॉन डी, फिर ये 0.36 FCK अपॉन 0.87 FY, तो जब 0.36 में 0.87 का भाग लगाएंगे तो 0.414 आएगा, और ये FCK अपॉन FY आ जाएगा। एक्चुअली इस फॉर्मूले से ही फॉर्मूला बन जाता है, और आप इसको यूज करके अगर सेक्शन बैलेंस्ड है तो आप डायरेक्टली AST निकाल सकते हो बिना किसी दिक्कत के, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इफ थर्ड केस, देखो तीन बात हो सकती है, या तो जो आपको MU दे रखा है वो MU लिमिट से ज्यादा है तो सेक्शन जाएगा डब्ल्यू रीइंफोर्स्ड बीम के अंदर, अगर एग्जैक्टली बैलेंस के बराबर है तो जाएगा ये वाला केस। और अगर MU जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में वो MU लिमिट से कम है तो सेक्शन अंडर बैलेंस्ड है या अंडर रीइंफोर्स्ड है। तो हमको वही काम करना है जो कि हमने अब तक किया है, कोई दिक्कत नहीं, जो हमने किया है पिछले वीडियो के अंदर वही करना है। लेकिन इस वीडियो में मैं एक आपको नया मेथड बताऊंगा, रिजल्ट वही आएंगे लेकिन मैं तो थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बुक्स में ऐसा कर रखा है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं सही बताऊँ आपको, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियोस देखकर इतने अपने आप को परफेक्ट बना लो कि किसी भी किताब से आप कंफ्यूज ना हो, ये बड़ी बात है। जब तक आप कंफ्यूज होते रहेंगे आपको समस्या आएगी। मैं चाहता हूँ आपके दिमाग से कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाए, तो मैं उन क्वेश्चंस को एक अलग मेथड से भी करूंगा आज इस वीडियो के अंदर। Step 3, टू फॉलो, यानी इसको फॉलो करते हुए MU जो है MU लिमिट से कम है, फाइंडिंग AST, हमको AST निकालना है। सेम स्टेप्स एज इन टाइप 1 ऑफ वीडियो 16 पेज क्वेश्चन 50। ये जो वीडियो 16 था ना, इसका पिछला, ये वीडियो नंबर 17 है, इसका जो पिछला वीडियो था उसमें जो क्वेश्चन नंबर 50 था ना, मैं उस क्वेश्चन को अलग मेथड कर रहा हूँ, बट एंड अनदर मेथड मे ऑल्सो बी यूज, लिखा ना मैंने, तो मैं उसी क्वेश्चन को जो क्वेश्चन नंबर 50 था उसको अलग मेथड से कर रहा हूँ, लेकिन आंसर वही आएगा। जरा इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिएगा ये फ्रॉम MU, देखिए आपको पता है कि जो अल्टीमेट मोमेंट होता है वो होता है या तो टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो ये मैंने लिया है 0.3 CK FCK इनटू BXU, ये स्ट्रेस और ये एरिया, तो फोर्स हो गया, ये होगी लीवर आर्म D-0.42 XU। तो इससे क्या करें आप, XU निकाले, देखिए इसमें XU इंटू XU करने XU स्क्वायर आएगा, ये इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक, ये बनेगी द्विघात समीकरण, किसमें, XU में। हमने जो किया था सवाल पिछले वीडियो में उसमें AST स्क्वायर आ रहा था और इसमें XU स्क्वायर आएगा, ये फर्क है। देन फ्रॉम MU, अच्छा इससे आप क्या करेंगे, XU निकाल देंगे तो फिर आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे MU = देखो सेम फॉर्मूला, ये भी MU का, ये भी, ये मैंने C कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म किया था, भैया मैंने टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म किया है। ये देखिए टेंसाइल में स्ट्रेस, टेंसाइल में एरिया, ये टेंसाइल फोर्स हो गया,
ये हो गया लीवर, वो सेम है, डी माइनस पॉइंट फोर टू एक्स सेम है, बस वहां पॉइंट थ्री सिक्स एफ सी के था या पॉइंट एट सेवन एफ आई है, वह बी एक्स यू था या ए एस टी है। अब इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, वो जो आपने एक्स यू निकाला है इस स्टेप से वो इसमें पुट कर देंगे, बाकी सब आपको दे रखा है, एम यू दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, आपको ए एस टी मिल जाएगा। या एक काम और कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा, यानी आपने एक्स यू तो निकालना ही है, ये तो कुछ इसमें तो ढील नहीं है, तो आपको करना पड़ेगा, एक्स यू तो आपको निकालना पड़ेगा, फिर आप ए एस टी इससे निकालें अथवा इससे निकालें। देखिए हमारा फॉर्मूला ए एस टी अपॉन बी डी पॉइंट फोर वन फोर एफ सी के बटा एफ आई एक्स बटा डी होता था पॉइंट एक ए एस टी, क्योंकि आपको एफ सी के पता है, एफ आई पता है, एक्स यू आपने अभी निकाल दिया यहाँ से, डी आपको पता है, ये चीज निकल जाएगी, उसको गुणा करेंगे बी डी से एस टी आ जाएगा। अब मैं वो जो क्वेश्चन नंबर पचास है, क्वेश्चन नंबर पचास इज नाउ सॉल्व इन दिस मैनर, ये क्वेश्चन पचास जो है ना मेरे सीरियल के अंदर जो पिछले वीडियो में था, सोलह नंबर वीडियो में, जो कि 2020 स्पेशल का पेपर था, 2020 स्पेशल का, मैं अब इसको नए मेथड से कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने डाटा सारे लिख दिए, वही डाटा है जो दे रखे था आपको। अच्छा पहले आपको थोड़ा सुविधा के लिए बता दूं, हालांकि आपको नहीं करना है क्योंकि साफ साफ लिखा है कि बीम सिंगली रिइंफोर्स्ड है, ये क्लियरली मेंशन है पेपर के अंदर, जब मेंशन है तो आपको चेक नहीं करना, लेकिन फिर भी मैंने एक बार आपको समझाने के लिए एम यू बैलेंस निकाला, मैंने एम यू बैलेंस निकाला या एम यू लिमिटिंग निकाला, पॉइंट थ्री सिक्स एक्स एम एक्स अपॉन डी वन माइनस पॉइंट फोर टू एक्स एम एक्स अपॉन डी बी डी स्क्वायर एफ सी के, ये आपको कोड में दे रखा है पेज 96 पर, मैंने लिखा है पेज 96, ये देखिएगा ये पेज 96 पर ये वाला फॉर्मूला दे रखा है। आप क्या करें कि इसमें एक्स यू बटा डी जो है ये पेज 17 से आ जाएगा, 0.48 एफपी चार बंदर के डिस्ट के लिए 0.48 यहाँ भी, और यहाँ बी और डी आपको दे रखे हैं एफ सी के दे रखा है, ये आएगा न्यूटन एमएम है, इट विल बी इन न्यूटन एमएम, न्यूटन एमएम, और जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये 264.248428 इंटू 10^6 न्यूटन एमएम आएगा, आप इसको भाग लगाएंगे 10^6 से तो आ जाएगा किलो न्यूटन मीटर, यानी कि 264.248428 किलो न्यूटन मीटर ये आया। और आपको जो MU बैलेंस आपको जो एक्चुअल में MU दे रखा ना क्वेश्चन के अंदर वो ज्यादा है, वो सारे कम है, आपको इस क्वेश्चन में जो M दे रखा है, इस क्वेश्चन में जो आपको M दे रखा है वो ये रहा, आपको दे रखा है अल्टीमेट मोमेंट 170 किलो न्यूटन मीटर, 170 मैंने इसको 10^4 से गुणा किया है न्यूटन एमएम बदलने के लिए, 170 देगा हमको जो क्वेश्चन में देगा ना वो 170 देगा, जबकि ये सेक्शन कितना उठा सकती है, इसे उठा सकती है 264.248 इतना तो झेल सकती है, दे रखा है 170 इसका आराम से अपन का काम चल जाएगा। हाँ अगर ये आपका जो भी निकलता ही है 264 ये 170 से कम होता, यानी कि बैलेंस सेक्शन आपका 170 से कम ले रहा है और आपको ये 170 दे रहेगा, फिर आपको डबली करना पड़ता। ये बात मैंने आपको समझने की कोशिश की है कि एमयू बैलेंस कैसे निकालते हैं। नाउ आगे चलो, अब देखिए जो मैंने स्टेप बताया था ना आपको भी उसमें चल रहा हूँ, एमयू इक्वल टू 0.36 एफसी के बी एक्स यू डी यू लिख दिया, एमयू का ये मान लिख दिया 170 10^6 जो दे रहेगा आपको, सब कुछ लिख दिया इसके अंदर आपके सामने सारा। अब ये इक्वेशन आएगी द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक इन एक्स यू, कैसे देखिए आपके सामने इसको सॉल्व कर दिया 61 एक्स यू और ये 565 माइनस 0.42 एक्स यू, आगे चलिए आगे देखिएगा ये इसके आगे चल रहे हूँ 170 × 10^6 आगे चल रहे हैं, जब इसको मैं ब्रैकेट खोलूंगा ना इसका
2160 इंटू एक्स इंटू 565 तो इतना आएगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर में आ जाएगा। अब मैं आप इसको पॉज करके वीडियो नोट कर सकते हैं, मुझे बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, नो नीड। ये आप उतार सकते हैं, इसको सॉल्व किया मैंने बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, तो एक्स आ गया 157.81 mm। देखिए यहाँ प्लस माइनस होता है, ये 600 बदल प्लस का हो जाएगा, अगर मैं प्लस लूंगा तो ये 672 500 1100 1200 चला जाएगा, इतनी बीम की डेप्थ ही नहीं है, आपको नॉर्मली माइनस साइन लेना पड़ता है। यहाँ पे मैंने माइनस लिया तो 157.81 mm आ गया। अब जब एक्स यू आ गया तो मैं एम यू इक्वल टू 0.87 fy AST माइनस 0.42 एक्स यू लगा लिया। अब एक्स यू निकल चुका है, नाउ इट इज नॉट अननोन, निकल चुका है 157.81 यहाँ पे, ये यहाँ पुट करेंगे और एम यू वही 117 × 10⁶, इससे AST मिल जाएगा, कितना मिला 944.12 mm², और जो पहले हमने किया था उस मेथड से लगभग ये उसे 942 आ रहा था, कोई खास फर्क नहीं, एक आधा फर्क तो आता रहता है। तो इस मेथड से भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो जो मैंने की इक्वेशन बना रखी थी डायरेक्टली, जिसमें कोई द्विघात समीकरण नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, मैंने प्रूव करके, लेकिन अगर आपको याद है तो उसे करें और याद नहीं तो ना करें, ये मिल रहा है आपको, क्योंकि वो फॉर्मूला आपको कोड में नहीं मिलेगा। तो जो मैंने पिछली वीडियो में काम किया था उससे करो, वो बेस्ट मेथड है। हाँ, लेकिन जब आपने अब AST निकालना, इसका एक मेथड और AST निकालने का, AST upon BD is equal to 0.414 FCK upon FI into XU upon D होता है। अब XU बैलेंस नहीं लेना है, ये XU वो लेना जो आपने भी निकाला 157.81, ये वाला इसे निकाला, ये 944.58 आ रहा है, देखिए एग्जैक्ट वही आ रहा है 944, ये 944.12, ये 944.58 है, ऑलमोस्ट सेम है। ये मैंने क्वेश्चन करने की कोशिश की है, वही क्वेश्चन जो मैंने पहले आपको कराया था इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 50, वो मैंने वापस इसको किया, लेकिन पहले मैंने AST में द्विघात समीकरण से सॉल्व किया था, इस बार XU के अंदर द्विघात लिया है। तो ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग मेथड दे रखे हैं, बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इस वीडियो ये लिया है। ओके, आगे चलते हैं। अब वो जो मैं आपको कहना चाहता था, आगे समझो इस चीज को, वीडियो 15 में पेज 58 जो मेरा था, उसमें टाइप वन के अंदर कुल 8 क्वेश्चन थे, अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले मैंने आपको, थे तो 6, लेकिन वो 2 क्वेश्चन में सेम डाटा थे, रिपीट हो रहे थे, और उन 6 में से उन 8 में से 5 में लिखा था सिंगल रिइंफोर्स है, लेकिन बाकी 3 में सिंगल रिइंफोर्स नहीं लिखा था। तो आपको पहले कंफर्म करना पड़ेगा सिंगली करना है कि डबली करना, और कंफर्म करने का तरीका मैं आपको समझा चुका हूँ थोड़ी देर पहले, मैं उसी को यहाँ लेके चल रहा हूँ, जरा ध्यान से देखें। देखिए वो जो 3 क्वेश्चन थे जिसमें लिखा नहीं था कि सिंगली एक डबली, वो ये 3 थे, एक तो 2015 का क्वेश्चन नंबर, दूसरे का दूसरा पेज 70 पर था, एक 2018 स्पेशल का, तीसरे का पहला पेज नंबर 32 पे, एक 2007 स्पेशल का, दूसरे का पहला पेज 109 पर। इस क्वेश्चन में सारे डाटा मैं लिख देता हूँ, ये बी दे रखा था, डी दे रखा था, इसमें देखिएगा आपको एम दे रखा था 40 kN, ये वर्किंग था, अल्टीमेटली लिखा था, उसमें लिखा था, देखिए आपको समझाता हूँ, पेज नंबर सत्तर, पेज नंबर 70, क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन है दूसरे का दूसरा, ये दूसरे का पहला, ये दूसरे का दूसरा, देख रहे ना कोई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन
जरा पढ़िए इसको क्वेश्चन को। ए रेक्टेंगुलर बीम इज 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 40 सेंटीमीटर इफेक्टिव डेप्थ। फाइंड द रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड, इट हैज टू रेजिस्ट ए मोमेंट ऑफ 40 किलो न्यूटन मीटर इफ एम 20 ग्रेड कॉन्क्रीट एंड एफ 415 ग्रेड स्टील इज यूज्ड। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि ये सिंगली है कि डबली है। साहब देखिए, एक आयताकार धरण जिसकी प्रभावी गहराई 40 सेंटीमीटर चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, 40 किलो न्यूटन मीटर के आघूर्ण के लिए आवश्यक इस्पात का मान ज्ञात कीजिए। यदि कंक्रीट का ग्रेड एम 20, इस्पात का ग्रेड एफ 415 है। ये 40 किलो न्यूटन मीटर का आघूर्ण लग रहा है बीम पे, इसने अल्टीमेट शब्द का यूज नहीं किया, यानी वर्किंग मोमेंट है ये, कार्यकारी मोमेंट है। यहां भी देखिएगा, देखा ना साहब, टू रजिस्ट ए मोमेंट, इसने टू रजिस्ट एन अल्टीमेट मोमेंट नहीं कहा है, इसने अल्टीमेट शब्द नहीं किया है, टू रजिस्ट ए मोमेंट ऑफ इतना। तो ये बातें आपने थोड़ी ध्यान रखनी है। तो ये आपको एम दे रखा है, और लेकिन हमको तो एम यू काम लेना होता है, और अल्टीमेट मोमेंट निकालने क्या करते हैं अपन, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो होता है उससे गुणा करते हैं वो लोड वाला। तो लोड के लिए जो होता है वो आपको पता है कि 1.5 गुणा करेंगे, 1.5 गुणा करते हैं, तो ये 1.5 गुणा करेंगे एम को तो एम यू आ जाएगा। अच्छा, इस ये जो पेपर है 2018 स्पेशल, इसके अंदर भी सब आपको दे रखे हैं, 230 बी डी, ये ओवरऑल डेप्थ है, ये इफेक्टिव कवर है, तो घटाएंगे तो 500 एम डेप्थ आ जाएगी। यहाँ एम दे रखा बहुत ज्यादा, 156.6 किलो न्यूटन मीटर, ये एम है, वर्किंग मोमेंट है, ये अल्टीमेट नहीं है, ये पेपर में कहीं नहीं लिखा है अल्टीमेट है, ये इस पे इतना मोमेंट कार्यशील है, क्रियाशील है। ये पेपर है 2018 स्पेशल, पेज नंबर 32। ये देखिए, एन आर सी सी बीम 230 mm इंटू 550 mm इज सब्जेक्टेड टू ए बेंडिंग मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 156.60। देखो इसमें आपको लिखा था नोट के अंदर, ये मिस्टेक है पेपर के अंदर, ये इसमें लिखा हुआ किलो न्यूटन पर मीटर लिखा है, देखो लाइन खींची पर की, पर काटने पड़ेंगे, और भाई ये किलो न्यूटन पर मीटर नहीं, ये किलो न्यूटन मीटर है, और अनफॉर्चुनेटली हिंदी में भी ये गलती कर दी इसने, किलो न्यूटन पर मीटर लिख दिया और इंग्लिश में कर दिया, जबकि ये किलो न्यूटन इंटू मीटर होता है। ये आपको दे रखा है, फाइंड द रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड, यूज दिस एंड दिस। इसमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये सिंगली है या डबली है, अभी मैं प्रूव करूंगा, ये डबली करना पड़ेगा। तो पहले तो आप इस बात को जरा समझ लीजिएगा ध्यान से कि ये जो एम दे रखा है ये अल्टीमेट नहीं है, अल्टीमेट निकालने के लिए आपको इस एम को 150 से गुणा करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 2007 स्पेशल, पेज नंबर 109 पे, इसमें आपको बी डी एम दे रखा है, इसमें भी ये अल्टीमेट नहीं है, अल्टीमेट निकालने के लिए आपको 150 से गुणा करना पड़ेगा। आपको 150 से गुणा तब करना पड़ता है जब आपको कह रखा है इतना मोमेंट कार्य कर रहा है, लेकिन एग्जाम में कह दे कि अल्टीमेट मोमेंट है, यानी कि चरम गुण है, अल्टीमेट मोमेंट है, तो फिर आपको गुणा नहीं करना है। अब मैं ये पहला ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग फर्स्ट, ये पहला है ना ये वाला, इसको ले रहा हूँ, और इसके अंदर मैं एमयू लिमिट, इसमें एमयू लिमिट निकाल रहा हूँ, यानी बैलेंस सेक्शन होता सिंगली रिइंफोर्स बीम तो कितना मोमेंट ले सकता था, तो 0.36 एफ सी के 1-0.42 एक्स यू मैक्स अपॉन डी 0.48 होता ना एफ 415 के लिए इंटू बी डी स्क्वायर एफ सी के, ये आएगा न्यूटन एम एम, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा आपका 88.2966528 किलो न्यूटन मीटर, इतना आ रहा है यार, इतना मोमेंट ले सकता है सिंगली रिइंफोर्स बीम, और आपको जो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर पहले में वो 40 दे रखा है, उसको अल्टीमेट बनाने के लिए मैंने 150 से गुणा किया, तो 40 को गुणा करूंगा 150 से कितना आएगा, 60 आएगा। अगर मैं ये देखिएगा
एमयू निकालोगे ना, एमयू तो 1.5 × 40 कितना होता है, 60 होता है। और हमको जो एमयू दे रखा है वो लिमिटिंग जो वैल्यू होती है एमयू की, एमयू मैक्स यानी उससे कम है। यानी इतना मोमेंट तो बीम वहन कर सकती है सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम की तरह, और आपको दे रखा है 60, इसका और हमारा काम सिंगली से चल जाए। और ये काम वही करना है, आपको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आपको मैंने समझाया हुआ है, मैंने आपको बताया था जो तरीका वही करना जो पिछली वीडियोस में, और आज इस वीडियो में एक मेथड और बता दिया मैंने। आप एग्जाम में जो चाहे करो आपकी मर्जी है, मैंने आपको राय दे दी है, अगर आपको फॉर्मूला याद आ जाए एसटी के लिए डायरेक्ट उसको काम में लो, फुल मार्क्स मिल गए और काम आपका 2 मिनट एग्जाम के अंदर 5 मिनट में सवाल पूरा होता है। लेकिन तभी करना जब वो फॉर्मूला याद हो आपको, अगर फॉर्मूला याद नहीं है और गलती हो गई 0 नंबर हो जाएंगे, उस केस में आपको करना है कोड के प्रोविजन मानते हो, सब मैंने आपको हर चीज बता रखी है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा मतलब ये वाला 2018 स्पेशल का, मैंने इसमें निकाला एमयू लिमिट। तो देखिए वही 0.36 एफसीके 1 - 0.42 एचएमएक्स 20 सारा ले लिया, बीडी स्क्वायर एफसीके, ये लिमिटिंग जो आया वो 158.658048 किलो, एक्चुअली जो ये आएगा ना वो न्यूटन एमएम होगा, इसको गुणा इसको भाग देना पड़ेगा 10^6 से, फिर बनेगा किलो न्यूटन मीटर, वो आया 158.658048 वाला। अब देखो आपका एमयू कितना है, देखिए ये एमयू होता है 1.5 एम दे रखा है, कितना आपको सॉरी ये रहा एम कितना दे रखा है आपको 156.6, आप गुणा करेंगे 156.6 को 1.5 से 234.9 आ रहा है भाई साहब, आपको 234.9 किलो न्यूटन मीटर मोमेंट वहन कराना है। क्वेश्चन में यह है अल्टीमेट मोमेंट, और आपकी जो बीम है सिंगली रिइंफोर्स मानते हुए अल्टीमेट मोमेंट कितना दे सकती है, मात्र 158.658048 किलो न्यूटन मीटर ले सकती है। यानी जो आपको एमयू दे रखा है ये 234.9, ये लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा है, क्योंकि 234.9 जो होता है वो 158.658048 से ज्यादा होता है। इसका मतलब सिंगली रिइंफोर्स बीम काम नहीं करेगी, हमको डबली रिइंफोर्स बीम काम लेनी पड़ेगी, और डबली के हिसाब से काम करना पड़ेगा। उसमें स्पेसिफिकेशन निकाल दो हम करेंगे अगले चैप्टर के अंदर, वी विल डू दिस प्रॉब्लम इन अ यूनिट 3B डबली रिइंफोर्स बीम के एग्जाम में थोड़ी पता पड़ता है ये डबली का सिंगली का, आपको तय करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको अनफॉर्चुनेटली सिंगली में दे दिया था, लेकिन सिंगली का नहीं, ये क्वेश्चन डबली का है। कौन सा वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 2018 स्पेशल का। नाउ आगे देखिए तीसरा, ये तीसरा इसमें निकाला मैंने एमयू लिमिट, तो 0.36 एफसीके वो सारा फॉर्मूला लगा के वही सॉल्व किया, तो 88.296.5528 किलो न्यूटन मीटर। और हमने जब निकाला डाटा में जो दे रखा आपको, क्वेश्चन दे रखा था आपको 25 गुणा करूंगा 1.5 से आएगा 37.5, तो हमारा तो अल्टीमेट मोमेंट 37.5 ही है जो हमको वहन कराना है, और बीम तो 88 पॉइंट कुछ ले सकती है, जब इतना ले सकते हैं हम डब्ल्यू क्यों कराएं, तो सिंगली करेंगे, तो जो हमने काम करना है वही करेंगे। और अब आप क्वेश्चन अकॉर्डिंगली 3 मेथड करने के, एक तो वो एसटी स्क्वायर वाला जिसमें कि आपको द्विघात समीकरण से एसटी निकालना पड़ेगा, एक डायरेक्ट फॉर्मूला, और एक जो आज बताया मैंने आपको एक्स स्क्वायर के अंदर। तो 3 मेथड में से कोई मेथड आप चूज करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मेरा पहला नोट था, ये मेरा इस वीडियो में जो मैंने कहा था ना आपको स्पेशल नोट नंबर 1, उसमें इतनी बातें समझानी थी मेरे को कि आपको जब तय करना पड़े कि ये बीम सिंगली करनी है कि डबली, तो कैसे करेंगे, यही समझना मेरा उद्देश्य था। केवल एक क्वेश्चन ऐसा निकला जो हमको डबली तरह करना पड़ेगा। नाउ आगे चलते हैं, नाउ इट इज स्पेशल नोट नंबर 2। अब मैं स्पेशल नोट 2 आपको समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मेरे पास कुछ फोन भी आए थे, सर यहाँ कैसे करें, उस किताब में ऐसा कर रखा है, उसमें तो ऐसा कर रखा है, हमको तो स्कूल में हमको तो कॉलेज में ऐसे पढ़ाया है। बच्चों के फोन कुछ के आते हैं हमारे पास, ऐसे ऐसे बच्चे हैं सही बताऊँ मैं आपको, जो मेरे से ऑनलाइन कोचिंग नहीं भी लेते हैं लेकिन मुझसे डिमांड करते हैं, तो मैं उनको जवाब देता हूँ। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, उन बच्चों ने पूछे हैं जो मुझसे कोचिंग नहीं ले रहे। सबको जानता है कि मैं व्यास सर कभी किसी को मना नहीं करते हैं अपने राय देने के लिए, तो क्या पता ऐसी समस्या आपको भी आती हो, तो आपको ये समझा देता हूँ, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए स्पेशल नोट दो जो है उसमें बताना चाहता हूँ कि मैंने टाइप टू के अंदर दो क्वेश्चन लिखवाए थे। टाइप टू के अंदर 2021 स्पेशल क्वेश्चन नंबर दो पेज नंबर चार ये मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, और 2011 स्पेशल क्वेश्चन दूसरे पेज नंबर 27 ये आपको सॉल्व करने के लिए मैंने होम असाइनमेंट दिया हुआ है, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। मैं आपको फिर कहता हूँ मैंने 100% ओके किया है, लेकिन कुछ किताबों में आपको मिलेगा कुछ और ढंग से, कुछ स्टूडेंट अलग ढंग से करते हैं, तो आज मैं सारे कन्फ्यूजन मिटा देना चाहता हूँ। और टाइप थ्री जो 2006 स्पेशल का है उसमें दूसरे का पहला पेज नंबर 114 ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो और एग्जैक्टली बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, वही आंसर आएंगे जो आज कराऊंगा, लेकिन आज कुछ अलग मेथड से कराऊंगा और कुछ बातें आपको समझाऊंगा जो गलतियां स्टूडेंट कर सकते हैं आपको नहीं करनी है। देखिए पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ मैंने क्या किया था। मैंने ये जो एक तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया था पूरा पिछले वीडियो के अंदर, ये वाला किया था, एक मैंने ये भी किया था, दोनों सॉल्व करके कर दिए मैंने और आंसर निकाल चुका था मैं, वो लिखा मैंने वी फाउंड डी और बी जो भी आपको निकालना हो। एक्चुअली इसमें क्या है एस टी और डी निकालना था और इसमें एस टी और बी निकालना था, हमने डी या बी जो भी निकालना था वो निकाला था। Assuming that section is balanced, बिल्कुल सही है, सेक्शन को बैलेंस मानते हुए हमने निकाला था, ये फॉर्मूला यूज किया था, याद कीजिए MU limit is equal to 0.36 XQ max upon D 1 minus 0.42 XQ max upon D VD square FC के, और बैलेंस सेक्शन के लिए ये फॉर्मूला होता है, और XQ max upon D जो होता है वो ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है, आपको मुझे पता है मैंने आपको बता रखा पेज 70 पे दे रखा है। इससे क्या होगा कि आपको देखिए एमयू लिमिट तो वो लेंगे जो आपको एमयू दे रखा है उसके बराबर, और बी दे रखा है तो डी निकल जाएगा, डी दे रखा है तो बी निकल जाएगा, वो हमने कर लिया था। और ये एमयू लिमिट है ना, ये क्या लेंगे एमयू के बराबर जो आपको गिवन है। देन वी फाउंड एएसटी, जब मैंने उस क्वेश्चन में बी या डी निकाल लिया और उसके बाद मैंने सेक्शन को अंडर रिइंफोर्स मान के काम किया, देखो देन वी फाउंड एएसटी, यानी हमने एएसटी निकाला एज्यूमिंग सेक्शन इज यूआर, यानी कि सेक्शन इज अंडर रिइंफोर्स। ओके बिल्कुल सही है, ये काम हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन क्या गलतियां स्टूडेंट कर सकते हैं मैं उस बात पे जोर दे रहा हूं इस वीडियो में आज, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं उसको मिटाना चाहता हूं। मैं बताऊंगा कि क्यों गलत है क्यों सही है। देखिएगा टाइप टू के अंदर ये दो क्वेश्चन थे, वही 21 स्पेशल और ये मैंने पूरा सॉल्व किया था, लिखा ना सॉल्व इन वीडियो 16। और टाइप थ्री के अंदर ये मैंने सॉल्व किया था वीडियो 16 के अंदर, ये सॉल्व है पिछले वीडियो में। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या गलतियां स्टूडेंट कर सकते हैं, क्या गलतियां आप भी कर सकते हो और जो आपको नहीं करनी चाहिए। देखिए आपको याद होगा सेक्शन को बैलेंस मानते हुए मैंने डी निकाला था 434.84 में, और याद होगा मैंने उसको 440 लिया था, याद है आपको। ओके जैसे कि मैंने एज यूजुअल जो काम किया था, आगे चले। फिर मैंने क्या किया था कि अंडर रिइंफोर्स मानते हुए मैंने एस निकाल दिया था जो करेक्ट था, लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो बैलेंस सेक्शन मानते हुए काम करते हैं। ठीक है हमने बैलेंस मानते हुए बी या डी निकाल दिया, लेकिन आगे जो काम करना वो बैलेंस मान के करेंगे तो क्या दिक्कतें आएगी, मुझे केवल यही बताना आपको इस वीडियो में आपको। अब अगर मैं बैलेंस सेक्शन मानू तो एमयू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर बैलेंस मानू तो 0.87 एफ आई एएसटी डी माइनस 0.42 एक्स क्यू मैक्स आ जाएगा, बैलेंस सेक्शन में एक्स क्यू मैक्स या एक्स क्यू लिमिटिंग आता है, ये फॉर्मूला काम लूंगा। और एम यू इक्वल टू 0.87 एफ आई एएसटी, अब क्या करूंगा डी इसमें कॉमन ले लूंगा, डी कॉमन ले लूंगा, डी जब कॉमन लूंगा तो डी बटा डी वन हो जाएगा माइनस 0.42 एक्स क्यू मैक्स अपॉन डी हो जाएगा। अब बैलेंस सेक्शन में एक्स मैक्स अपॉन डी हमको पता होता है,
ये हमारे ग्रेड गॉप स्टील के लिए पॉइंट चार आ रहा था, और ये एमयू जो है मैंने वो 120x10^6 ले लिया, जो आपको सवाल में दे रखा है, सब कुछ दे रखा आपको। एस्ट निकल गया, ये एस्ट निकला हमारा 946.11, जबकि एक्चुअल में जो मैंने पिछला वीडियो बताया था उसमें 934 था, 934 था, याद कीजिए पिछले वीडियो में किया था, और इसमें 946 आंसर में फर्क आ रहा है। अब बड़ी बात क्या है वो समझाना चाहता हूं मैं आपको। अगर मैं इसको इस मेथड से करूं, एस्ट इज इक्वल टू 0.414 एफसीके बटा एफआई इनटू एक्सीमैक्स ऑफ 1d इनटू बीडी करना पड़ेगा, इससे करूं अगर मैं सारे वैल्यूज पुट करूं तो 969.18 आ रहा है, यानी 946 पॉइंट और 969 पॉइंट कुछ कितना फर्क आ गया, तो फर्क नहीं आना चाहिए। अगर आप सेक्शन को बैलेंस मानते हुए करेंगे तो ये फर्क मिलेंगे आपको दोनों आंसर्स के अंदर, जो कि इनवैलिड है, तो ये गलत है, सही नहीं है। मैंने जो किया था ना पिछले वीडियो वो करेक्ट था। अब आज इस वीडियो में एक मेथड और लगाऊंगा, वो भी करेक्ट है, लेकिन जो गलतियां बच्चे कर सकते हैं उस पर मैं आपको ध्यान आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था। अब वो क्वेश्चन जो टाइप थ्री उसमें भी निकला था 181.21, मैंने उसको 200 लिया था एज यूजुअल। अब अगर गलती करेंगे स्टूडेंट क्या करेंगे कि वो क्या सोचते हैं, हमने जब बैलेंस मानते हुए बी निकाला तो बैलेंस मांगे एसी निकाल देंगे, ये गलती होती है, ये गलती आपको नहीं करनी है। तो मैंने इसको बैलेंस मानते हुए 0.87 एफआई एसटी डी डी वन ये एक्सीमैक्स लिया, बैलेंस सेकंड के लिए डी कॉमन ले लिया, 1 माइनस ये 0.42 एक्सीमैक्स ऑफ 1d आ गया, ये आपको पता ही है 1.48 होता है। सारी वैल्यू पुट किया हमने, उससे एसटी निकाला 650 पॉइंट कुछ आया, जबकि मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था पिछले वीडियो में उसमें 628.66 आ रहा था, फर्क आ गया ना, 22 का फर्क आ गया, 22 ज्यादा फर्क है, कम नहीं है, काफी फर्क ही है। अब देखो बड़ी बात क्या है, अगर मैं इसको उस फॉर्मूले से करता हूँ 0.414 एफसीके वाले फॉर्मूले से, तो ये 718 था, यानी वैल्यू कितना चेंज आ रही है, कहाँ से 650 कहाँ 718, ये गलत है। अगर आप एग्जाम में ये मेथड फॉलो करेंगे जो मैंने किया, जो कुछ बच्चे करते भी है, शायद किसी को ये बताया भी गया है कॉलेज के अंदर, मैं नहीं समझता इस बारे में, लेकिन बच्चे चूंकि कन्फ्यूज होते हैं ना तो मुझसे पूछते हैं, आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको अंडर रिइंफोर्स मानते हुए चलना है। बी या डी तो आपको बैलेंस मान के चलना निकालना है, और बाकी आपको एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए अंडर बैलेंस मान के चलना है, जो मैंने किया था पिछले वीडियो में। अब मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं नए मेथड काम में लूँ तो कैसे हमारे आंसर सेम आएंगे पिछले की तरह। वो वही है, हमने एएसटी स्क्वायर यानी कि एएसटी में द्विघात समीकरण से किया था ना, अब मैं एक्सयू में द्विघात से करूंगा, ये रिवाइज मेथड है, ये बिल्कुल वही मेथड है जो मैंने अभी आपको आज इस वीडियो की शुरुआत में बताया था, लिखा ना मैंने, बट एन अनदर मेथड मे बी यूज्ड, ये मैंने जो आज की शुरुआत की इस मेथड से वही मेथड में करूंगा। देखिए बी आपने निकाला 434 पॉइंट, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने पिछले वीडियो में किया था, बी आपने निकाला 434.84, आपने उसको 440 लिया एज यूजुअल, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है कि MU इक्वल टू 0.36 FCK BXU D माइनस 0.42 XU फॉर्मूला होता है। अब ये बैलेंस नहीं लेना आपको, एक्चुअल लेना XU। अब आपको XU में द्विघात समीकरण मिलेगी, यू हैव टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन XU, सब वैल्यू पुट करेंगे एम की जगह ये 120×10^6। अब ये पेज मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। मैंने एक्सयू निकाला 204.68 mm आया, फिर मैंने एमयू यूज किया 0.87 FI ST D -0.42, एक्सयू निकाला नहीं, मैंने काम ले लिया, डी आपको दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, एसटी निकाला 938.789 आ गया, ये वही वैल्यू है लगभग जो कि हमारे पहले आ रही थी, हमारे 934.9 करीब 935 आ रही थी। ये देखो 2-3 mm, 4 mm का फर्क तो कोई बड़ा मैटर नहीं होता है, चलता है इतना। और इसी क्वेश्चन को मैंने किया था वो 0.414 एफसी के बटा फाइव वाले फॉर्मूले थे, इसमें 939 आ रहा है, ये 938.7 ये करीब 939 ही है, तो ये 939.2 ये लगभग सेम आंसर आ रहा है। ऐसा भी आप कर सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन फिर मैं कहूंगा
अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है हिस्ट्री का, वो सबसे जल्दी होगा और फुल मार्क्स मिलेंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और या फिर एएसटी स्क्वायर करके निकाल लो एएसटी, या फिर पहले एक्सयू स्क्वायर करके एक्सयू निकाल लो, तो यहाँ पर करके एएसटी निकालो। लास्ट पेज ऑफ दिस वीडियो, ये जो टाइप सी क्वेश्चन था जो मैंने 2006 स्पेशल किया था, पेज नंबर 114 वाला, इसके डाटा आपको दे रखे सारे। बी आपका निकला था बैलेंस मानते 181.21, आपने इसको 200 लिया था। उसके बाद आप इसको, वो जो फॉर्मूला है ना एमयू का 0.36 एफसी के बी एच यू डी माइनस 0.42 एच यू कंप्रेशन जोन वाली साइड से, इसमें एमयू की जगह ये ले ले जो आपको दे रखा है, और एक्स यू बाकी सब आपको दे रखे हैं, और एक्स यू आपको निकालना पड़े, डी आपको दे रखा है, तो एक्स यू निकल जाएगा। ये एक्स यू इंटू एक्स यू बनेगा एक्स यू स्क्वायर। ये सॉल्व करने का तरीका, ये बहुत प्रैक्टिस कर लो, ये बहुत समय लेता है, ये द्विघात समीकरण सॉल्व करना आसान नहीं है, बच्चे अटक जाते हैं, गलतियां करते हैं। आप इस पे बहुत जोर दीजिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए, ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैंने अच्छे से कर रखा है, इसको नोट कर लेना आप मित्र को, और हमेशा प्लस माइनस से माइनस नहीं है पे, तो 211.01 एमएम आ गया। अब वो एमयू इक्वल टू 0.875 एएसटी डी माइनस 0.42 एक्स लगाया फॉर्मूला, एक्स वी काम आ गया, और एमयू आपको जो दे रखा वही काम आएगा, इससे एएसटी मिल जाएगा। ये 631.2 आया, 631.2 एमएम, ये वही वैल्यू आई जो आपके पिछले वीडियो में निकल गई, वो 628 करीब 629 थी, वो 631.2 लगभग 2.5 एमएम का, 2.5 एमएम इस पर फर्क है, डजंट मैटर। तो मेरे ख्याल से आपके कन्फ्यूजन सारे दूर हो जाने चाहिए, या अगर मुझसे करता इस फॉर्मूले से 0.414 एफसी के 0.95 फॉर्मूले से, तो आपको ये मिलता 631.5 एमएम स्क्वायर, होता 631.2, इसे 631.5 ऑलमोस्ट सेम आंसर है, और उससे मैच करते जो पिछले वीडियो में निकाले थे मैंने। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चलते हैं कन्फ्यूजन। मैं पढ़ाता था किसी मदरसे से, मैंने वीडियो बनाए, और कई बच्चे अपनी किताबों से करते हैं, कॉलेज में कराते हैं, और मेथड देखिए अलग अलग होते हैं, गलत कोई नहीं होता है, लेकिन वे ऑफ टीचिंग अलग होता है, उससे कन्फ्यूजन होते हैं दिमाग में, वो सब मिट जाने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप इतने पक्के हो जाए, कन्फर्म हो जाए अपने आप में कि कभी गलती ना करें। मुझे आशा है कि आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा, और कोई दिक्कत आएगी अभी ग्रुप में आप मैसेज करेंगे, और मैं सदैव आपके साथ हूँ एग्जाम की एक नाइट पहले तक। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।